बिहार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। देश विदेश राजनीति खेल जगत और क्षेत्र की बड़ी खबर देखिए मॉर्निंग सुपर फाइव में। कोरोना की चपेट में अब तक 18 लोग। हिंदुस्तान में कोरोना की दस्तक ने खलबली मचा दी है। दिल्ली एनसीआर में नए मामले सामने आने के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार की हरकत तेज हो गई है। 6 मरीजों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इटली से आए 21 लोगों को दिल्ली के आईटीबीपी आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। इनमें से 15 के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 लड़कियों के साथ मंदिर में अनोखी शादी, दोनों की मांग में भरा सिंदूर। एक युवक अपनी नई प्रेमिका से शादी करने मंदिर पहुंचा तो वहां उसकी पुरानी प्रेमिका भी पहुंच गई। इस बात पर जब हंगामा होने लगा तो युवक ने दोनों की मांग में सिंदूर भरकर दोनों से शादी कर ली। हैरान कर देने वाला यह वाक्य उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है। ट्रंप ने तालिबान नेता से की बात, कहा शांति समझौते पर बरकरार रहना जरूरी। करीब 2 दशक की जंग के बाद अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते को तालिबान ने 48 घंटे के अंदर नकार दिया था, लेकिन अब इस समझौते को लेकर एक बार फिर उम्मीद जागी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को तालिबान के डिप्टी लीडर मुल्ला अब्दुल गनी से बात की है। दोनों के बीच अफगानिस्तान में शांति स्थापित को लेकर समझौता हुआ है और जल्द ही इस ओर आगे कदम बढ़ाने की बात चल रही है। महिलाओं को सोशल मीडिया सौंप रहे हैं पीएम मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि वो महिला दिवस के मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट को उन महिलाओं को सौंप देंगे जिनका जीवन और काम उन्हें प्रेरित करते आए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि इसके सहारे उन्हें करोड़ों के दिलों में प्रेरणा जगाने की मदद मिलेगी। पीएम मोदी के ऐलान के बाद कंगना रनौत की बहन रंगोली ने उनसे गुजारिश की थी कि वो उन्हें इसके लिए दावेदार बनाएं। हालांकि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने न केवल देश बल्कि ग्लोबल स्तर पर भी भारत का नाम रोशन किया है और वो पीएम मोदी के इस कैंपेन की दावेदार हो सकती हैं। 16 साल की शेफाली वर्मा की आसमानी छलांग, महिला T20 में बनी वर्ल्ड नंबर 1। 16 साल की सनसनी शेफाली वर्मा ने अपने बल्ले से धूम मचा दी है। मौजूदा महिला T20 वर्ल्ड कप में शेफाली ने अब तक इस कदर बल्ला चलाया है कि हर कोई हैरान है। शेफाली की तूफानी शुरुआत से भारतीय टीम को लगभग हर मुकाबले में फायदा पहुंचा है और इसी की बदौलत टीम इंडिया पहली बार फाइनल में पहुंचने के लिए कदम बढ़ाने को तैयार है। मॉर्निंग सुपर फाइव में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।